भारत की धरती भक्ति धर्म चमत्कार और रहस्यों की धरती है। जितने रहस्य भारतीय मंदिरों में छिपे हुए हैं, इतने रहस्य दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे रहस्य हैं हमारे मंदिरों और तीर्थों में, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कोई शिवलिंग अपने आप बढ़ रहा हो? जैसे जीवित व्यक्ति बढ़ता है, ऐसे ही एक शिवलिंग हर वर्ष 1 इंच बढ़ रहा है। तो आइए आज आपको ऐसे ही रहस्यमयी एक भगवान शिव के मंदिर के बारे में बताते हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में मौजूद है। इस मंदिर को बहुत पहले ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। यहाँ आपको शिव कला के एक से बढ़कर एक प्रमाण मिल जाएंगे। मंदिर में शिवलिंग की रहस्यमयी अद्भुत विशेषताओं को देखने के लिए यहाँ नित्य प्रति लाखों श्रद्धालु देश विदेश से दर्शन करने आते हैं। यहाँ सभी भक्तों श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस मंदिर का नाम है मातंगेश्वर मंदिर। इसी मंदिर के गर्भगृह में स्थित है यह चमत्कारी रहस्यमयी जीवित शिवलिंग। जी हाँ, जीवित शिवलिंग जिसकी ऊंचाई 9 फीट मापी जा चुकी है। और यहाँ यह भी देखा जाता रहा है, बताया जाता रहा है, जितना शिवलिंग धरती के ऊपर विद्यमान है उतना ही शिवलिंग धरती के नीचे विद्यमान है। यही शिवलिंग हर वर्ष 1 इंच बढ़ रहा है, जिसे यहाँ मंदिर के पुजारी जी द्वारा प्रत्येक वर्ष नापा जाता है। साथ ही इस चमत्कारी वैश्वी शिवलिंग को वर्ल्ड हेरिटेज डिपार्टमेंट द्वारा भी नापा जाता है। शिवलिंग की कहानी हमारे पुराणों में बताई जाती है। भगवान शिव जी के पास मरकत मणि थी, जो उन्होंने द्वापर काल में 5 पांडवों में से एक युधिष्ठिर जी को प्रदान की थी। युधिष्ठिर जी ने यह मणि मातंग ऋषि जी को दी। मातंग ऋषि जी ने यह मणि हर्षवर्धन जी को दी। फिर हर्षवर्धन जी ने यह सोचा, यह मणि तो चमत्कारी है, यह मणि तो शक्ति से भरपूर है, तो इस मणि का कोई दुरुपयोग ना कर ले। और उनके अलावा उस मणि की कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था, तो उन्होंने उस मणि की सुरक्षा हेतु उस मणि को धरती में दबा दिया। इसके फलस्वरूप उस मणि के आसपास एक शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, और जिसके चमत्कारी परिणाम स्वरूप वह शिवलिंग तब से ही नित्य प्रति हर साल 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे बढ़ता जा रहा है। यह मणि मातंग ऋषि के पास बहुत समय तक रही, जिसके कारण इस मंदिर का नाम मातंगेश्वर मंदिर पड़ा। इस मणि की शक्ति रहस्य के कारण इस शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ता है, जिसकी वजह से इस शिवलिंग को जीवित शिवलिंग शिवलिंग भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे जीवित मनुष्य बढ़ता है, वैसे ही यह शिवलिंग भी बढ़ता है, इसीलिए इस शिवलिंग को जीवित शिवलिंग भी कहा जाता है। यह मंदिर के पुजारी जी बताते हैं कि शिवलिंग का संबंध कलयुग से है। इस शिवलिंग का ऊपरी भाग स्वर्गलोक की तरफ बढ़ रहा है और शिवलिंग का भीतरी भाग निचला भाग पाताल लोक की तरफ बढ़ रहा है। जिस दिन इस शिवलिंग का भीतरी भाग पाताल लोक पहुंच जाएगा, तब कलयुग का अंत हो जाएगा। प्रत्येक श्रद्धालु जो भी खजुराहो आते हैं, वे अवश्य ही इस मातंगेश्वर शिवलिंग के दर्शन करके मनवांछित फल पाते हैं, जिसके कारण इस जीव शिवलिंग की ख्याति देश में ही नहीं, हमारे भारत वर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में हो चुकी है। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करें, मंगल जीवन की कामना करते हैं। आप सभी के जीवन में धन धान्य की, सुख शांति की, समृद्धि की वृद्धि हो, परमात्मा से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया की करके इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए। मिलते हैं साथियों एक अगली बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राधे।